सॉल्यूशन पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखें क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट, ऐसा क्यों होता है। आप क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व होती है, दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं वो ब्रेक नहीं होती। एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। टू क्वेश्चन है, एक तो आपका ये पार्ट है और सेकेंड पार्ट है। तो देखें कि फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो अब फर्स्ट पार्ट में आप क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, यानी कोई भी आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज है तो जो उस पर फोर्स एक्ट करता है वो होता है कंटिन्यू। जब फोर्स हमारा कंटिन्यूअस होता है और जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब हमारा फोर्स को ही फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं तो वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि फोर्स जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कंटिन्यूअस होता है। तो देन इस फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आप लिख सकते हैं इस तरह से, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स एक्ट ऑन एनी टेस्ट चार्ज इज कंटिन्यूअस, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स एक्ट ऑन एनी टेस्ट चार्ज इज कंटिन्यूअस होता है, सिंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एक्ट होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होते हैं उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये तो आपका फोर्स कंटिन्यूअस है, तो देन ये आपका क्या होगा, जो हमारी कर्व लाइन होगी वो कंटिन्यूअस ही होगी, वो सडन ब्रेक नहीं कर सकती हैं। और इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारे चार्ज होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, जंप नहीं करते हैं, एकाएक चार्ज होता है, सतत चलता है, कंटिन्यूअस चलता है, और वो सडनली जंप नहीं करता है। ये नहीं है कि जंप कर जाएगा चार्ज हमारा, इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं, ब्रेक नहीं करती हैं। तो यहाँ पे फिर एक बार देख सकते हैं, थियोरेटिकल है, थियरी पार्ट में भी मैंने इसको बताया है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स एक्ट ऑन एनी टेस्ट चार्ज इज कंटिन्यूअस, फोर्स जो होता है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है, और जो हमारी सिंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है फोर्स के, और फोर्स हमारा कंटिन्यूअस है, तो वो आपकी जो कर्व होगी वो कंटिन्यूअस होगी। अब देखें कि सो ए लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस कर्व, अब हमारी लाइन होगी वो ब्रेक नहीं कर सकती है, क्योंकि फोर्स तो हमारा कंटिन्यूअस होता है, तो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस कर्व, तो ये कंटिन्यूअस ही होगा। अब सेकंड पार्ट आप देखें कि सेकंड पार्ट में कहा कि आपकी टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज डज नॉट इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ब्रेक इंटरसेक्ट करेंगी तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम टू टेंजेंट ड्रा कर लेंगे, और एक ही स्थान पर, एक ही सेम प्लेस पर, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टू डायरेक्शन होंगे। ये संभव नहीं है कि एक ही स्थान पर कोई व्यक्ति हो और दो दिशाओं में उसके मुख करके खड़ा हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आप इसको देख सकते हैं, इफ टू लाइन ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट करेंगे देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू डायरेक्शन होगा एट पॉइंट ऑफ विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि एक हमारी ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और दूसरी ये है, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम इस डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं और एक इस डायरेक्शन में, और ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही स्थान पर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टू डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, दो दिशाएं नहीं हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में भी हो जाए इस डायरेक्शन में, ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट।